वो तो बहुत बहुत गंभीर सूक्त। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ है और एक भावनामृत नामक और ग्रंथ भी इन लोगों ने, गौड़ेश्वरों ने निकाला है, उसका नाम भावनामृत है और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती का श्री कृष्ण भावनामृत है। कृष्णदास जी का गोविंद लीलामृत है, वो भी बहुत बढ़िया है। गोविंद लीलामृत बड़ा है, मैं समझता हूँ कोई 25 के हैं, 25 हिंदी में छपा, अच्छा तो छपा है, अच्छा हाँ वो हमको मालूम नहीं, हमको अच्छा हमको तो जब बंगला लिपि में मिलता था रवि का पढ़ा हुआ, बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें लीला, बहुत बढ़िया बढ़िया, रात को दिन समझने की लीला है, शाम को सुबह समझने की लीला है, और वो क्या नाम है, पाता खेलने की लीला है और उसमें बाजी लगाने की लीला है, खान पान की लीला है, तो बहुत बढ़िया है गोविंद लीला अमृत उसका। बहुत एक रूप गोस्वामी का संकल्प कल्पत्रु लीला का ग्रंथ है, उसका नाम है संकल्प कल्पत्रु। हमको तो ऐसा था कि हम ज्यादा पुस्तक खरीदने के लिए हमको पैसा नहीं मिलता था, 10 रुपया महीना तो हमको हमारे घर से मिलता था, है ना। नहीं उस जमाने में 10 रुपया बहुत ज्यादा था, है ना, वो तो घर से 10 रुपया महीना और चावल दाल भी है आता वो सब मिल जाता, और एक हमारा मित्र था उसको 50 रुपया महीना मिलता था, आटा दाल भी नहीं मिलता। तो हम लोग अपना रुपया मिला के और बंगला लिपि सीखते थे, और बंगला लिपि में बहुत सस्ते ग्रंथ मिलते थे, 2 रुपये में विष्णु पुराण श्रीधरी टीका सहित, 5 रुपये में भागवत श्रीधरी टीका सहित, 10 रुपये में महाभारत है। तो उसको हम लोग हिसाब से हर महीने में खरीद के पढ़ते हैं। भक्ति के ग्रंथ, ये भक्ति रसामृत सिंधु पर संस्कृत में 3-4 टीका है, उज्ज्वल नीलमणि पर टीका है, उज्ज्वल नीलमणि पर तो जीव गोस्वामी की टीका है, उज्ज्वल नीलमणि तो रूप गोस्वामी का है और टीका उस पर जीव गोस्वामी की, रूप गोस्वामी से पीछे हुए हैं जीव गोस्वामी, उन्होंने उस पर टीका लिखी। और भ्रमर गीत पर तो विलक्षण टीका है उज्ज्वल नीलमणि की, में उसका काव्य की दृष्टि से विभाग करके भ्रमर गीत को, और ये जल्प है, ये संजल्प है, ये चित्र जल्प है, ये इस तरह से, ये विजल्प है, तो ये करके उसके विभाग कर दिए हैं सब श्लोकों को अलग अलग करके, और उनकी व्याख्या उस काव्य रीति से। तो भक्ति साहित्य भी बहुत विलक्षण है, जैसे धाम निष्ठा से ही संभव है ऐसा बोलेंगे तो नाम थोड़ा गौण हो जाएगा, फिर रूप भी गौण हो जाएगा। तो भगवान के धाम नाम रूप भेद नहीं करना, धाम की विशेषता यह है कि वो अपने में आए हुए का कल्याण करता है, परंतु नाम जो है वो तो दूर रहने वाले का भी कल्याण करता है, और रूप चाहे धाम में रहो चाहे धाम से बाहर रहो, दोनों जगह ध्यानस्थ होकर कल्याण करता है। और भगवान की लीला ये तो कहीं भी प्रकट हो सकती है, तो असल में तो धाम भी एक व्यापी धाम होता है, धाम के 2 रूप हैं, एक व्यक्ति रूप धाम होता है अभिव्यक्त धाम, और एक व्यापी धाम होता है। हाँ, तो भगवान का भी रमा वैकुंठ अलग है और व्यापी वैकुंठ अलग है। ये जो बृहद भागवतामृत है सनातन गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का एक बृहद भागवतामृत, उसमें इसका निरूपण है।
तो काल निरूपण प्रधान तो लघु भागवतामृत है, ये रूप गोस्वामी का, और स्थान निरूपण प्रधान बृहद भागवतामृत है वो सनातन गोस्वामी का। तो देखो जहां जहां भगवान है वहां वहां उनका धाम है, तो उनका धाम सबके हृदय में भी है। अंतर्यामी रूप से भगवान रहते हैं तो प्राणी मात्र के हृदय में ही नहीं, बल्कि जिनको हम अप्राणी समझते हैं वहां भी भगवान का धाम व्यापक है, क्योंकि सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण तो भगवान ही है, अंतर्यामी है, इसलिए वो सब जगह रहता है। तो सब जगह में किसी भी जगह है भगवान के धाम को पहचान लेना, ये देखो भगवान यहाँ रहता है। तो भागवत में एक प्रणाली का निर्वाह है आपको सुनाते हैं। जैसे भगवान किसी के सामने प्रकट होते हैं, प्रतीताओं के सामने प्रकट हुए, ध्रुव के सामने प्रकट हुए तो, और दक्ष के सामने प्रकट हुए, तो दर्शन दे के बातचीत करके फिर आता है कि स्वधाम परमम जजऊ, भगवान अपने धाम में गए। तो श्रीधर स्वामी ने कई जगह टीका में लिखा है कि स्वधाम हृदयम, स्वधाम हृदयम, बिल्कुल टीका में ऐसे लिखा है, जिस भक्त को भगवान का दर्शन हो रहा था बाहर आंख से सामने चार हाथ दूर, उस भक्त से बातचीत करके वरदान दे के फिर भगवान कहाँ गए, बोले हृदयम, उसके हृदय में ही जाके समा गए, हृदय में से ही निकल के आए थे और हृदय में ही समा गए। तो भगवान का धाम तो हृदय में ही है। श्रीधर स्वामी ने भागवत की टीका में उगे जब यहाँ से तो एक बगीचा पड़ेगा, फिर उसके बाद एक नदी पड़ेगी, फिर उसको पार करोगे तो एक पर्वत पड़ेगा है, और फिर उस पर्वत पर एक बस्ती मिलेगी। तो ये जो क्रम है ये क्रम एक पंथ का है, एक संप्रदाय, संप्रदाय बोलते हैं पर वो संप्रदाय नहीं बोल सकते उसको, उसको पंथ बोलते हैं। तब पहले देखो भगवान की ओर चलोगे तो मूलाधार से चलोगे, तब स्वाधिष्ठान में आओगे, फिर मणिपूरक में आओगे, फिर अनाहत में आओगे, फिर विशुद्ध में, फिर आज्ञा चक्र में, फिर सहस्रार में, फिर शून्य शिखर पार करोगे। एक 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 पंथ ये है, ये पंथ है, ये संप्रदाय नहीं है। फिर बोले कि नहीं नहीं, मनुष्य मूलाधार में नहीं है, वहां तो पराभाग का क्रम हो गया ना, वो पंथ दूसरा स्वाधिष्ठान से उठता है, वहां से चलता है, क्योंकि काम में निवास है, मनुष्य का काम में निवास है तो स्वाधिष्ठान से उठेगा। फिर बोले नहीं, ये अग्नि चक्र है, मणिपूरक यहाँ से उठेगा, बोले ना ना, जीव का निवास तो हृदय, ये सब पंथ है, यहाँ से उठेगा। बोले नहीं नहीं, बैखरी वाणी से ही जप होता है तो कंठ से प्रारंभ करो उसको। फिर राधा स्वामी वाले बोलते हैं कि ये सब नीचे जीव नहीं जाता है, मनुष्य योनि का जो जीव है वो तो आज्ञा चक्र में रहता है, फिर वहां से वो फुरफुराता है, उठता है, तो उसके बाद फिर ओ अंग और फिर रा रंग फिर सो अंग है ना, ये ऐसे जो है वो आज्ञा चक्र, फिर त्रिकुटी, त्रिकुटी जहां से ज्योति आती है, फिर बंकनाल, फिर भ्रमर गुफा, भ्रमर गुफा तो माया मंडल के अंतर्गत है। तो ये सब पंथाई लोगों की जो कल्पनाएं हैं वो एक पंथ के लिए तो बिल्कुल ठीक है बाबा, तुम वैसे ही करो। फिर शब्द का जो श्रवण है, भ्रमर गुफा में श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है और वो तो ब्रह्मांड मंडल में ही है, का उसके बाद फिर माया मंडल है, माया मंडल के बाद फिर विशुद्ध चैतन्य है और चैतन्य देश में उनके जो वक्त गुरु हैं, जो इस समय गुरु के रूप में प्रकट है, वही धुरधाम में, वहां धुरधाम में, दिव्य देश में, धुरधाम में वही विराजमान रहते हैं, तो उनके साथ जा करके फिर मिलना होता है। तो शब्द जो है वो लय योग का साधन है, उसमें भक्ति योग नहीं है,
न ज्ञान योग है, वो तो लय योग है, एक प्रकार का लय योग है, पंथ का लय योग है। ऐसे कबीर स्वामी का है, ऐसे गरीब दासियों का है, चरण दासियों का है, रहदासियों का है, ये सब इसका मूल तो वेद शास्त्र में कहीं बीज तो है। वो नादोपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, तो प्राणोपनिषद है, हंसोपनिषद है, इनका बीज तो उपनिषदों में है। क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं, तो उपनिषद के नाम पर कोई कुछ भी कह दे तो हमको हाँ करनी पड़ती है। हम ना करके तो संगति लगाते नहीं, हाँ करके संगति लगाते हैं। हाँ भाई ये भी है, चलो तो बीज तो सबका है। ये पंथ है, संप्रदाय तो जो नारायण ब्रह्मा आदि के क्रम से जो माने जाते हैं वो भी होते हैं, वही होते हैं संप्रदाय तो, जो नारायण से ब्रह्मा आदि के क्रम से जो ज्ञान की परंपरा आई हुई है तो उसको सब मानते हैं। कोई नारायण से लक्ष्मी के द्वारा मानते हैं, कोई नारायण से ब्रह्मा के द्वारा मानते हैं, कोई नारायण से नारद के द्वारा मानते हैं, परंतु नारायण को सब मानते हैं। नारायण स्वरूप व्यक्तात् अव्यक्तादन्य संभव, शंकराचार्य भी नारायण को अव्यक्त से परे मानते हैं और वहां से ये ज्ञान धारा का प्रवाह मानते हैं। और ये जो तांत्रिक परंपरा है वो नारायण से नहीं है, वो शिव से है। तो ये लोग जो त्रिपुर सुंदरी आदि की आराधना भी करते हैं और श्री विद्या की भी आराधना करते हैं, वो आदिनाथ से संप्रदाय का आदिर्भाव मानते हैं। तो जैन लोग मानते हैं कि आदिनाथ माने ऋषभदेव और आदिनाथ माने मत्स्येन्द्रनाथ के गुरु, ये गोरख संप्रदाय में तो आदिनाथ माने ऋषभदेव, आदिनाथ माने शिव, आदिनाथ माने मत्स्येन्द्रनाथ के गुरु। इस तरह से ये नाथ संप्रदाय जो है जिसमें फिर परंपरा की पूजा करते हैं, एक गुरु दूसरा गुरु तीसरा गुरु चौथा गुरु, तो ये सब जो है 51 पाद की उनके बन जाते हैं। तो ये जो तांत्रिकों की परंपरा है वो दूसरी है। फिर कोई कहते हैं कि हमारे गुरु को लक्ष्मी जी ने उपदेश कर दिया, का हमारे गुरु को राधा जी ने उपदेश कर दिया, हमारे गुरु को सीता जी ने उपदेश कर दिया, वो स्वयं प्रकट होके कर दिया। तो ये सब जो है ये गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं, इनको श्रौत या शास्त्र परंपरा के अंदर मानने में यही बस हाँ 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 शास्त्र की है इतना ही है। और तो असल में जिस उपदेश की सहानुभूति इसी जीवन में नहीं होती और वो भी अबात की अनुभूति, अनुभूति माने ये नहीं कि दो अनुभूतियां आपस में टकराएं या समकक्ष होवें हैं या उनमें कोई बाहर भीतर का ऊपर नीचे का कोई क्रम होवे, वो नहीं। क्रमादि की कलना से विनिर्मुक्त और जो अबाध्य स्वानुभूति है, श्रौत जो है वो साक्षात अपरोक्ष, जब साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म का प्रतिपादन श्रौत परंपरा में है, केवल विश्वास की जो परंपरा है वो गुरु परंपरा हो जाती है और साक्षात अनुभव की जो परंपरा है वो श्रौत परंपरा रहती है। तो देखो श्रुति बिल्कुल स्पष्ट बोलती है, यदि हदमुत्र यदमुत्र तदन्वय, जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है, यदि हास्ति तदमुत्र यदमुत्र तदन्वय, मृत्यु समृत्यु गच्छति जो यह नाने उपश्यति। नाना का जो दर्शन है वो तो दर्शन नहीं है, वो तो मृत्यु का मार्ग है। मृत्यु समृत्यु गच्छति जय नाने वश्यति, नानात्व का जो दर्शन है वो मृत्यु का मार्ग है, वो अमृत का मार्ग नहीं है। स्वभाज्याभ्यंतरो यजः, अब देखो यदि हास्ति तदमुत्र में देश अपेक्षित नहीं है, यज्ञ की एकता अपेक्षित है।
देश तो अनेक है, यह है और अमूत्र है, परंतु जब इहास्ति तदमूत्र, जब तत् की एकता अपेक्षित है, देश भेद जो है, जब तत् की एकता के प्रतिपादन में तात्पर्य है श्रुति का, यह और अमूत्र के भेद के प्रतिपादन में नहीं है। स्वबाह्याभ्यंतरो यजः, बाह्य और आभ्यंतर में भेद है परंतु अज में भेद नहीं है। अपूर्वम अनपरम, पूर्व और पर में भेद है, पूर्व और अपर में भेद है, परंतु जो अपूर्व और अनपर है माने एक काल भेद यहाँ विवक्षित नहीं है। अनंतरम अबाह्य, तो सर्वानुभू में सर्व सर्व पर दृष्टि नहीं है, जो सर्व में एक है, अनुभव रूप है, उस पर दृष्टि है। इसलिए श्रुति का जो दृष्टिकोण है वो इह और अमूत्र देश के भेद में नहीं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसमें भी अतः और इदम नहीं, पूर्णमदः पूर्णमिदम, और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कार्य कारण नहीं, और पूर्णस्य पूर्णमादाय में आदाय नहीं, और पूर्णमेव अवशिष्यते में अवशेष में तात्पर्य नहीं है, केवल पूर्णता में, पूर्णता में तात्पर्य है। ऐसे ये श्रुति के अर्थ जो हैं वो निश्चित होते हैं। तो जो लोग कहीं जाना चाहते हैं, जो लोग कुछ इंतजार करते हैं, जो लोग किसी रूप में पाना चाहते हैं, वे विद्यमान स्फुरणात्मक आत्म ब्रह्म की उपेक्षा करके घर आए, नाग्न पूजी डोड़ा पूजन जाए, वो जो समाधि में ब्रह्म मिलेगा कि लोकांतर में ब्रह्म मिलेगा कि रूपांतर में ब्रह्म मिलेगा कि ब्रह्म का कोई विज्ञानांतर होगा कि आनंदांतर होगा, नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञानांतरम वा आनंदांतरम वा उत्पद्यते, ऐसी जो श्रौत विद्या है उससे हम इस समय श्रौत विद्या की बात कर रहे हैं। औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, औपनिषद पुरुष, ये जो औपनिषद पुरुष है, नावेद विन मनुते संबृहंताम, जो वेद विद नहीं है उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। नावेद विन मनुते संबृहंताम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, वेदा हमेदम पुरुषम महांताम। तो ये जो है, हाँ हाँ, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह अवेदित माति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मान लोकाद अमृता भवन्ते। अब ये है कि हम इस समय वेद विद्या की बात कर रहे हैं, यदि आप किसी पंथ की बात करो तो हम ईमानदारी के साथ उस पंथ के अनुसार जो बात मानी जाती है वो बोलेंगे, हैं? ये नहीं कि हम पंथ का नाम लें और एक पंथ का नाम लें और दूसरे पंथ की बात करें, एक संप्रदाय की बात करें दूसरे संप्रदाय की बात उसमें मिला दें, तो नहीं, अपने गड़बड़ की खिचड़ी नहीं बनाते हैं। जब जो बात कहते हैं तब उस बात से मिलती हुई जो संगत बात होती है वो बोलते हैं। ये कहो कि आप किस पंथ में चलते हो, आपका कौन सा पंथ है, तो बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम है, हमारा कोई पंथ नहीं है, हम पंथ में नहीं है, हम मंजिले मकसूद पर हैं। जो पंथ में हो उसका रास्ता अलग अलग होता है, और जहाँ संपूर्ण पंथ पहुँचा देते हैं या जहाँ संपूर्ण पंथों का अंत है, रिजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्य, जो एक पंथ गम्य जो है ना, हम पंथ गम्य में हैं, हम पंथ में नहीं हैं, इसलिए हम रास्ते सब बता सकते हैं, जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो उसकी चर्चा तुमसे करते हैं, परंतु हम किसी पंथ में नहीं हैं, न किसी पंथ में हमारी निष्ठा है। सब पंथ जहाँ पहुँचाते हैं उसमें हमारी निष्ठा है, वो हमारा अपना स्वरूप है, और पंथ की चर्चा हम आपके लिए करते हैं, आपको जो पंथ पसंद आवे आप इस रास्ते से निकल के जाओ,
आपको बिहारी जी का रास्ता बता दें, मोती झील के पास होके जाना है, और आप इस रास्ते निकलो तो बता दें फोगला आश्रम के पास होके जाना है। तो भाई अब ये प्रश्न कि तुम भक्त हो कि वेदांती हो, तो भक्ति से जहाँ पहुँचते हैं, वेदांत से जहाँ पहुँचते हैं, सो हम हैं, न भक्त हैं न वेदांती हैं। हाँ, तुम्हारी मर्जी हो भक्त बना लो, तुम्हारी मर्जी हो वेदांती बना लो। तो कोई पूछे कि तुम बाप हो कि बेटा हो, तो तुम अपने बाप के बेटे हैं और अपने बेटे के बाप हैं, बाप बेटा दोनों हैं। ये तो स्पष्ट है ना, तमेव विदित्वा अति मृत्यु एते, ये मृत्यु के अतिक्रमण का पथ है। जब तक इस पंथ को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मृत्यु का अतिक्रमण नहीं होगा, जायस्व मृयस्व लगा ही रहेगा। यहाँ तक कि भगवान के धाम में भी जाने पर पराधीनता का निवारण नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ वही है कि यदि उस धाम के मालिक कह देंगे कि तुम जाओ धरती पर जाके ये काम कर आओ, तो आना पड़ेगा। और वो कहेंगे कि अच्छा अकेले मत जाओ, हमारे साथ चलो, तो साथ आना पड़ेगा। और कोई न निकलना चाहे वहां से तो किसी महात्मा को बुला के साथ दिलवा देंगे, बोले भाई ये तो हमसे बड़े हैं, अब इनकी बात पर, हमारी बात पर तो तुम नहीं चले, है ना, हमारी बात पर तो नहीं चले, पर ये तो अब हमसे बड़े हैं महात्मा, तो इनका आदर करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो वो हाँ, वहाँ बद्ध को मुक्त बना दे, मुक्त को बद्ध बना दे, है ना, मुक्ति में प्रतिबंध डाल दे। ये कश्मीरी शैवों के दर्शन का जब वर्णन प्रारंभ होता है तो वैष्णवों के दर्शन का यही खंडन है कि वहाँ पराधीनता है और हमारे दर्शन में स्वातंत्र्य है। क्योंकि असल में जगह एक ही है, सब जगह जो है वो एक ही अधिष्ठान में कल्पित है, इसलिए जब जगह से दृष्टि हटती है, जब जगह से दृष्टि हटती है तो वो जो देशाधिष्ठान है वही देशाभावाधिष्ठान भी, देशाभावाधिष्ठान भी है, तो देशाभावाधिष्ठान में ही देश प्रतीत हो रहा है, इसलिए किसी भी देश का नाम लेके जाओगे पहुंचोगे वही जो उस देश के अभाव का अधिष्ठान है, किसी काल में जाओ वही पहुंचोगे, किसी आकार को पकड़ो वो आकृति तो सर्वदा रहेगी नहीं, अबाध्य होगी नहीं है, सुषुप्ति में कौन सा आकार रहेगा, तो वो जो है वो तो किसी भी आकार को लेके चलो, किसी से ये जो राम कृष्ण का झगड़ा है कि राम छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं, कि कृष्ण बड़े हैं राम छोटे हैं, ये अपने अपने पंथ में निष्ठा रखने के लिए है, इसमें कुछ वास्तविकता नहीं है कि राधा बड़ी है कि सीता बड़ी है, है? और ये तो जो दोनों को नाप ले, हमारा तो ख्याल है कि लंबाई में तो राधा जी से सीता जी बड़ी थी, बोला और जो का अंतर है, सीता जी लंबी थी और राधा जी लाठी थी, ये ठीक है ना, और सौंदर्य की दृष्टि से देखो तो सीता जी का गंभीर था, है? और श्री राधा रानी का जो है वो गंभीर सौंदर्य नहीं था, वो छलकता हुआ उच्छलित सौंदर्य था, तो ये दोनों में भेद है। और सीता जी दक्षिणा थी, हमेशा राम जी के अनुकूल रहती थी, और राधा जी बामा थी, तो स्वभाव में भी अंतर है, तो ये जो भेदभाव है उसका प्रतिपादन तो हम कर सकते हैं कि ये बामा है वो दक्षिणा है, वो लंबी है ये नाटी है, वो गंभीर है और ये थोड़ी चंचल है, वो अनुकूल है ये माननी है, तो ये सब भेद है, परंतु तत्व दृष्टि से कोई सीता और राधा में भेद हो कि राम कृष्ण में भेद हो तो वो बात नहीं बनती है। तो वो जो इसी को तत्वविद बोलते हैं।
हरदास जी अपनी दस्तखत कर दिया है, हरदास जी महाराज अपनी दस्तखत कर दिया है, इसकी वाणी में यही बात दिया है स्वामी हरदास जी। नहीं, ये जो वेदांती लोग होते हैं ना बाबा, ये ज्ञान होने पर थोड़ा शिवो हम ऐसे जरा ऐसे होते हैं, हैं? और ये भगत लोग जो है वो दास को भगत सिकुड़ जाते हैं।